नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज धरोहर पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी की कहानी। माँ लक्ष्मी जी को सभी लोग अपने घर बुलाते हैं, जबकि अलक्ष्मी को कोई भी नहीं अपनाना चाहता। माँ लक्ष्मी लाल कपड़ों में आभूषणों से सजी कमल पर बैठी, सोने और अनाज से भरा बर्तन हाथों में लिए माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि शक्ति की देवी है, जिसे संस्कृति प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। माँ सम्मोहक व चंचल है। माँ लक्ष्मी को एक जगह पर बैठाकर रखना कठिन कार्य होता है। माँ के ऊपर दुर्लभ और बहुमूल्य हाथी उन पर पानी की बौछार करते हैं। उनकी जुड़वा बहन अलक्ष्मी है, जो गरीबी दुख और दुर्भाग्य की देवी है। किंवदंतियों के अनुसार समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी आई और उसी मंथन प्रक्रिया से विष भी आया और साथ ही आई अलक्ष्मी। भगवान शिव ने पूरा विष पिया था, जिसके बाद महादेव को नीलकंठ कहा गया था। वैष्णव साहित्य में अलक्ष्मी को दुर्भाग्य और दारिद्र्य की देवी कहते हैं। जैसे कोई भी शानदार चीज बिना कचरा पैदा किए नहीं बनती, वैसे ही लक्ष्मी के साथ हमेशा अलक्ष्मी भी होती है। एक बार लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों बहनों ने एक व्यापारी से पूछा कि दोनों में से कौन अधिक सुंदर है। व्यापारी को पता था कि किसी भी एक को नाराज करने का क्या नतीजा निकलेगा, इसलिए व्यापारी ने कहा, लक्ष्मी घर में आती हुई अच्छी लगती है, जबकि अलक्ष्मी घर से बाहर जाती हुई। लोग कहते हैं कि यही वजह है कि लक्ष्मी व्यापारियों पर कृपालु रहती हैं। माँ लक्ष्मी का संबंध मिष्ठानंद से है, जबकि अलक्ष्मी का संबंध खट्टी और कड़वी चीजों से। यही वजह है कि मिठाई घर के भीतर रखी जाती है, जबकि नींबू और तीखी मिर्चें घर के बाहर टंगी हुई देखी जा सकती हैं। लक्ष्मी मिठाई खाने घर के अंदर आती है, जबकि अलक्ष्मी द्वार पर ही नींबू और मिर्ची खा लेती है और संतुष्ट होकर लौट जाती है। दोनों को एक ही स्वीकार किया जाता है, पर स्वागत एक का ही होता है। माँ लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।